को मिला। अच्छा, आपके ऑफ कोर्स बॉलीवुड में यू नो खान्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई चाहता है खान्स के साथ एक बार काम तो ज़रूर करना है, तो आपकी बकेट लिस्ट में है खान्स के साथ काम करना? किस खान के साथ स्पेसिफिकली? डेफिनेटली बकेट लिस्ट में तो है, बट आई थिंक सलमान सर के साथ अगर काम करने को मौका मिला तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, और आपने बात की ही है तो कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता था कि यू नो आपने देखी और आपको लगा कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें मैं डिज़ाइन कर सकता था कपड़े? आई थिंक उनकी जो फिल्म थी बजरंगी भाईजान, वो मुझे अगर मुझे मौका मिलता तो मतलब मैं बहुत खुश होता था। वो फिल्म के लिए मुझे डिज़ाइन करना बहुत पसंद आता था। ऐसा हो सकता है शायद कि आपको जल्द से जल्द मौका मिल जाए, एज फार अभी तक क्योंकि भंसाली जी की फिल्म में आप कर रहे हैं, अगर आपको बताओ इंशाल्लाह भी आने वाली है आलिया और सलमान की, भंसाली जी डायरेक्ट कर रहे हैं, सो चांसेस है हम वहाँ पे आपको देख सकते हैं उनके साथ काम करते हुए? आई थिंक अभी तो बहुत ही प्री प्रोसेस चल रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा अगेन इंशाल्लाह। अफकोर्स सलमान की भारत फिल्म भी आ रही है, सो पर्सनली अदर देन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, पर्सनली आप कितना पसंद करते हैं उनकी फिल्म्स को या उनकी एक्टिंग? या मुझे सी एज ए वो एक स्टार है, एक्टिंग वगैरह वो पार्ट अगर आप अलग रखो तो उस चीज़ों को छोड़ दोगे, तो मुझे पर्सनली सलमान सर की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की आदत है, और आई थिंक ये तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है जो उनके अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई थिंक मुस्टाच विथ सनग्लासेस वाला। यूजुअली लोगों को वही लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट अगर आप यू नो इस फिल्म के फैशन डिज़ाइनर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते तो आप कौन सा फिल्म मतलब कौन से लुक को आप डिज़ाइन करने की कोशिश करते? डेफिनेटली इसमें आई थिंक बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं, तो बट या डेफिनेटली मुझे भी मैं भी होता तो मुझे मुस्टाच और सनग्लासेस के साथ जो लुक आ गया पसंद वही करता था। अच्छा, अगर फैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो यू नो आजकल कान्स बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, सोनम से लेकर दीपिका से लेकर यू नो ऐश्वर्या राय से लेकर हर कोई कान्स में जा रहा है, अगर मैं आपको पूछना चाहूँ आपका पर्सनल फेवरेट कौन था इस साल कान्स में? प्रियंका चोपड़ा अगर या वॉज अमेजिंग आई थिंक, आई डोंट नो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया है, बट मुझे पर्सनली लगता है एक थीम होता है, आप अगर उस थीम को कंसिडर करके अगर जजमेंट हो सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपनी अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड शी वॉज फैंटेस्टिक इन दैट। अच्छा, अगर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें और पेंडिंग है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है प्लेट में और क्या क्या है जो ऑडियंस बहुत जल्द देख सकती है? प्लेट में बहुत कुछ है लेकिन अभी हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हाउसफुल 4 आ जाएगी, देन टीवी शोज़ हैं और मराठी फिल्म्स भी हैं, सो या। अच्छा, जैसे आपने कहा यू नो टीवी शोज़ है, टीवी शोज़ में भी आपने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए, तो कितना डिफरेंट होता है, कुछ भी हल्का सा भी डिफरेंस होता है टीवी में कपड़े डिज़ाइन करने का कंपेयर टू यू नो फिल्म्स, क्योंकि फिल्म्स जो होती हैं ऑफकोर्स एक बार रिलीज़ होती है एंड देन ख़त्म, बट टीवी जो है इट्स अ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस, हर दिन नए ड्रेसेस, हर दिन नया शूट, तो क्या डिफरेंस लगता है? आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम्हें कलर पैलेट चूज़ करना होता है, क्योंकि फिल्म बड़े स्क्रीन पे जब आप देखते हो तो हर एक चीज़ उतनी इफ़ेक्टफुली आपकी तरफ पहुंचती है, और टीवी में जो आप चीज़ें देखते हो तो उतना नहीं पहुंचता, तो आई थिंक दोनों का अपना अलग जोनर है। ब्राइट वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद करते हैं टीवी में, सटल चीज़ें फिल्मों में यूज़ की जाती है, तो आई थिंक या बहुत है डिफरेंट, एंड मुझे पर्सनली दोनों भी मीडियम में काम करने का बहुत अलग एक्सपीरियंस आ गया था, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।